ये हैं मेरे पापा, हर वक्त शर्मा जी से लगे रहते हैं। और ये है मेरी मेहनती मम्मी, और ये हूँ मैं। हाँ जी शर्मा जी, क्या हाल चाल है आपके? बस बस सतीश जी, बहुत बढ़िया। और मेरी प्यारी भाभी जी कैसी हैं? है? मेरी? मेरा मतलब है, हमारी प्यारी भाभी। बहुत टाइम हो गया उनको ताड़े हुए। मेरा मतलब है, बहुत टाइम से उनको देखा नहीं है ना। लगता है वीकली डोज का असर कम होता नजर आ रहा है। तुम्हारी डोज बढ़ानी पड़ेगी। भाभी जी करते करते ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। लगता है जमीन पर लाना ही पड़ेगा। रात को बताती हूँ, सारे होश ठिकाने ना ला दिए ना तो मैं भी मैं नहीं। अरे सतीश जी, आपकी प्यारी भाभी भी बहुत बढ़िया है। कल तो आपको याद कर रही थी, बोल रही थी सतीश जी को बहुत टाइम हो गया घर पे आए हुए। हाय, भाभी जी ने इस नाचीज को याद किया। उनसे बोलना मैं भी बहुत मिस करता हूँ उनको। मैं बहुत ही जल्दी मिलने आऊंगा। और हाँ सतीश जी, अब की बार तो हमने भी अपने घर पर क्रिसमस पार्टी रखी है, इसलिए तो आपकी भाभी जी ने आपको स्पेशली इनवाइट करा है, तो आपका तो आना बनता ही है। क्रिसमस पार्टी? भाभी जी बोले और मैं ना आऊं, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। भाभी जी को बोलना चिंता ना करे, मैं टाइम से पहले ही टपक जाऊंगा। मेरा मतलब है टाइम से पहले आ जाऊंगा। अबे ओ बेशरम लिचड़ आदमी। ठीक है फिर, साथ में भाभी जी स्वाति और रजित को भी लेके आना। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। वो क्रिसमस आ रहा है ना, तो एडवांस में तुमको भी मेरी क्रिसमस मेरी रामकली, और बेटा तुझे भी। अरे तुम लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो क्रिसमस पार्टी रख रहे हैं, मुझे भी बुला रहे थे, मैंने कितना मना किया मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम लोगों ने सुना ना, फिर कहने लगे अगर आप नहीं आओगे तो क्रिसमस पार्टी में चार चांद कैसे लगेंगे। अरे झूठे आदमी, ऊपर वाले से तो डर, कितना झूठ बोलेगा फ्लर्ट करने के लिए। मुझे भी सब सुनाई आ रहा था, पार्टी में चार चांद लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हारे 10 चक्कर जरूर लग जाएंगे भाभी जी के आगे पीछे। वाह पापा, आप तो बहुत सही हो, खुद तो क्रिसमस पार्टी में जा रहे हो, हमारे बारे में सोचा है? हमारा क्या, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हाँ हाँ बेटा, मैंने कब मना करा है, तुम भी एंजॉय करो, ये लो। तू भी क्या याद रखेगा, तेरा बाप क्या चीज है। 100 रुपए? अरे पापा 100 रुपए में कौन सी पार्टी होती है, इस 100 रुपए में क्या होगा? अच्छा कम है तो ये ले बेटा, और ले 100 रुपए और पकड़, अब खुश हो जा, अच्छे से सेलिब्रेट करियो क्रिसमस को, जो दिल करे वो करियो। और हाँ बेटा, सारे पैसे क्रिसमस पे मत उड़ा दियो, कुछ पैसे न्यू ईयर पार्टी के लिए बचा लियो। 200 रुपए? अरे पापा बहुत बड़ा खजाना दे दिया आपने मेरे को, इसमें से जो पैसे बचेंगे ना अगले साल वैलेंटाइन डे पे वही इस्तेमाल करूंगा। अरे पापा कौन सी सदी में जी रहे हो आप, 200 रुपए में कुछ नहीं होता। अरे कम से कम 5,000 रुपए तो दो। 5,000? अब तेरा दिमाग खराब हो गया, ये 200 लेने तो ले, ज्यादा 3 पास करेगा तो ये भी वापस ले लूंगा। आया बड़ा 5,000 लेने वाला। वैसे भी मुझे अब भाभी जी की क्रिसमस पार्टी के लिए कपड़े भी तो डिसाइड करने हैं। बन ठन के जाऊंगा सेंट सुंट लगा के। चलता हूं, बाय। यार मम्मी आप ही बोलो कुछ पापा को, 200 रुपए में कौन सा सेलिब्रेशन होता है। मुझे तो कुछ बोल मत, तू जाने और तेरा बाप जाने, मेरा दिमाग तो खराब कर मत। ये बुड्ढे की भी सारी उम्र निकल गई, पलट करना नहीं छोड़ा, लगता है कुछ जादू टोना करना पड़ेगा। अरे यार मुझे नहीं करना कोई सेलिब्रेशन, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने। सोने भी क्यों, रोने। और ये 200 रुपए पिलो के नीचे रख दूंगा,
काश कोई सेंटा क्लॉज आ जाए और 200 के 2000 कर दे। अब मेरी जिंदगी में यही तो बचा है बस। घंटी बजे जंगल 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 जंगल। कॉलेज की पूरे 2 दिन की छुट्टी है, अब घर जाके देखते हो क्या चल रहा है। सारे मूड की ऐसी तैसी हो गई यार। अरे भाई 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 सुन, कहाँ चल दिया लफंगों की तरह। अबे ओ ज्यादा मैडम मत बन, ऊपर हो ले चल, दिमाग खराब करने के लिए ऐसे। कुत्ता कहीं का, भाग में जा। यार मम्मी एक बात बताओ, इस रजत के बच्चे को क्या हो गया है? इसका मुंह ज्यादा नहीं चलने लग गया है? अरे बेटा ये दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, तू टेंशन मत ले, फ्रेश हो जा, मैं तेरा खाना लगा रही हूँ। ठीक है मम्मी। अरे ब्रो क्या हो गया यार, तू जब से आया ऐसी मुंह लटका के खड़ा हुआ है, क्या हो गया? कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? अरे नहीं भाई यार ऐसा कुछ नहीं है, बाकी यार छोड़ो ना, रहन दो, कुछ नहीं हुआ। ये कैसा है यार? अच्छा चल ठीक है छोड़ दिया। एक बात बता, क्रिसमस आ रहा है भाई, पार्टी वार्टी का क्या प्लान है भाई? पार्टी क्रिसमस? अबे मेरा बाप इतना कंजूस है ना, ये देखो मेरे बाप ने क्रिसमस पार्टी के नाम पे 200 रुपए दिए मेरे को। इस 200 रुपए में क्या पार्टी होगी क्रिसमस की? कोई प्लान व्लान नहीं है भाई, छोड़ो जान दो सब। अरे ठीक है भाई, तू अपना मूड खराब मत कर यार। और देख मुझे पता है तेरा बाप ना एक नंबर का कंजूस इंसान है, लेकिन तू क्यों टेंशन ले रहा है? पार्टी करने का कुछ और भी तो तरीका होगा ना भाई। ये सही बोल रहा है, एक काम करते हैं हम सारे मिलके ना पैसे कलेक्ट करते हैं, पैसे के पैसे पार्टी की पार्टी, बोलो क्या बोलते हो तुम दोनों? ओ भाई क्या आइडिया दिया यार तूने, एक मिनट रुक, कहाँ रखे थे यार सुबह तो पप्पे? हाँ ये ले मेरी तरफ से 500 रुपए एडवांस। तुम्हारा भाई किसी से कम है क्या? ये ले मेरी तरफ से भी रख ले। अब भाई सोचो, दिमाग इस्तेमाल करो, इतने पैसों में हम सब तो क्या, मैं अकेला भी क्रिसमस पार्टी में कुछ अच्छे से खा पी नहीं पाऊंगा, क्या होगा इतने पैसों में भाई? ये सेलिब्रेशन कैंसिल है, छोड़ो यार, ये पकड़ो अपने अपने पैसे यार, और मैं चला अपने घर, चलो। अरे अरे अरे, अरे कहाँ जा रहे हैं, वापस आ यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? और मुझे एक बात बता तू, क्रिसमस अभी आया थोड़ी ना है, अभी तो आने वाला है, अरे जब तक हम करेंगे ना कुछ यार, और थोड़े पैसे वैसे वो भी जुगाड़ कर लेंगे। हाँ भाई क्रिसमस तक पैसे हम आराम से कलेक्ट कर लेंगे, बस तू प्लान कैंसिल मत कर। पक्का ना? ये ब्रो देख लो फिर अब। अरे मेरे भाई डन है, ये ले पकड़ पैसे। चलो ठीक है भाई, फिर अपना प्लान ऑन है। या! चलो भाई अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बाय टाटा। आजा भाई चल, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, ये यहानी सिंह। अबे यार तुम लोगों के साथ साथ मेरा भी तो कितना मन था, ये वाला क्रिसमस ना मैं अपने सारे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी, बट यार आऊं तो आऊं कैसे, घर वालों के सामने क्या बहाना बनाऊंगी, और ऊपर से मेरा वो जल्लाद भाई बीच में अपनी टांग अड़ाता रहता है, उसको अलग से झेलो। अबे तो तू उनको बताई क्यों रही है कि तुझे पार्टी में जाना है, बस उनको इतना बोल कि तुझे ग्रुप स्टडी करने के लिए जाना है, बस फिर बात खत्म, ना तेरे घर वालों की टेंशन और ना तेरे उस जल्लाद भाई की। हाँ यार आइडिया तो अच्छा है, फिर तो ना मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने इस बार। चल भाई अब मजा आएगा। ये अच्छा बेटा, बहुत तेज चल रही है, मैं भी देखता हूँ कैसे तू अकेले अकेले क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी। सही है, ये कमीना ना कहीं नहीं दिख रहा, अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा, बस मम्मी को ही तो पटाना है। वो मम्मी वो मैं क्या बोल रही थी, मेरे को ना 25 को अपने दोस्त के घर जाना है, तो मैं जाऊं? अच्छा जी ऐसा क्या है 25 को, जो तेरे को 25 को ही अपने दोस्त के घर जाना है? मम्मी अपने दोस्तों के घर बाद में तो जा सकती है, 26 को भी जा सकती है, 27 को भी जा सकती है, और जाने को तो तू 28 को भी तो जा सकती है। बले, 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 बले। अरे यार ये कुत्ता कभी ना फिर से आ गया, पक्का बीच में टांग अड़ाएगा। क्या? अरे मम्मी वो मेरे एग्जाम भी तो आने वाले हैं और मुझे पढ़ाई भी तो करनी है, इसकी तरह आवारा थोड़ी हूँ जो गलियों में घूमती रहूंगी।
ओ चल चल झूठी कहीं की। मम्मी एक बात बताओ, ये घर पे रह के तो पढ़ाई करती नहीं है, अपने दोस्त के घर पे जाके पढ़ाई कर लेगी हैं? मम्मी मैं बता रहा हूँ पक्का कुछ झोल है, और वैसे भी इसके एग्जाम्स तो मार्च में है, तो ये दिसंबर में क्या करेगी ग्रुप स्टडी करके। हाँ बेटा सही बोल रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मम्मी इस फ्रॉड की बातों में मत आओ, झूठ बोल रहा है ये। चुप कर तू, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सही बोल रहा है वो, यहीं बैठ के पढ़ ले। ये मिशन सक्सेसफुल। कुत्ते कमीने, दिखा दे ना अपनी औकात, तू भी तो अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाला है, मैंने तो तेरे को कुछ नहीं बोला। सुन मेरी बात, पहली बात तो तू रोक भी नहीं सकती, और किस चीज की पार्टी, पार्टी के नाम पे ना तेरे पापा ने मेरे को 200 रुपए दिए हैं, क्या पार्टी होगी उसमें? आई पार्टी की बात करने वाली। वैसे देख एक बात है, तू अगर चाहे ना तो मैं तेरा पार्टी में जाने का बंदोबस्त करवा सकता हूँ। अरे भाई मैं तो तेरे को बड़ा हरामी समझती थी, पर तू तो देव मानुष निकला, दिलवा दे भाई परमिशन। अच्छा दिलवा दे परमिशन, गांव बसानी भिखारी आ गए, भीख मांगने लगी, परमिशन दिलवा दे। और वैसे भी देख हर चीज की एक कीमत होती है, एक काम कर सकती है तू, तू मेरे को पापा से पैसे दिलवा दे और मैं तेरे को मम्मी से तेरी बाहर जाने की परमिशन दिलवा दूंगा, अगर तेरे को डील मंजूर है तो बात कर वरना यहाँ से निकल ले। पापा और पैसे देंगे? बेटा ये तो तू सपने में भी मत सोचियो, अपने पापा ना पैसों के मामले में कंजूसों के भी बाप हैं। अरे यार मेरे को लगा तूने अपनी इंस्टा की बायो में लिख रखा है हैशटैग पापा की परी, तो पापा तेरी बात मान लेंगे। अच्छा तो तू भी तो मम्मी का टॉमी बना फिरता है, ले ले मम्मी से। कम बोल ठीक है ना? तो तू भी कम बोल। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम दौड़ आइए। भाई सुनियो। क्या है अब? वो मम्मी बता रही थी कि पापा शर्मांटी के यहाँ जाने वाले क्रिसमस सेलिब्रेट करने, वो भी अकेले। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो जाएंगे ही और अकेले ही जाएंगे, क्योंकि फ्लर्ट जो करना है पापा कौन से। हाँ भाई अपने पापा तो फुल आशिक हो रहे हैं, और आशिक के साथ साथ कंजूस भी। आइडिया भाई सुनना, मेरे पास ना एक प्लान है, अगर हम मम्मी को भी पापा के साथ भेज दे तो घर में हम दोनों अकेले रहेंगे और हमारा राज। हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रही है, फिर तो मैं अपने घर पे रहकर ही अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकता हूँ, और हमारे पैसे भी बच जाएंगे, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ तो फिर ना मैं भी अपने दोस्तों को यहीं बुला लूंगी। हाँ अब तो तू बस देखती जा मैं कैसे मम्मी को भड़काता हूँ, मम्मी जाएगी पापा के साथ। पापा गेट रेडी। पति करता था पत्नी के सामने दूसरी औरतों से फ्लर्ट, मौका मिलते ही संग हुआ फरार, पत्नी को घर छोड़कर अकेला पार्टी में गया और घर लौटा नई पत्नी लेकर। हो बताओ क्या क्या होता है इस दुनिया में, अरे मम्मी कैसे कैसे लोग हैं। अबे ये सब ऐसे ही है, कुछ भी छाप देते हैं खबर वाले तो, क्यों मम्मी सही कह रहा हूँ ना। अरे भाई तुझे कुछ नहीं पता, इंसान की सोच ना कभी भी और कहीं भी बदल सकती है। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, अब तो खुद देखना, ऐसे तो अपने पापा भी शर्मा आंटी से फ्लर्ट करते रहते हैं, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उनके साथ फरार हो जाएंगे। और हाँ वो उनके घर पे क्रिसमस की पार्टी में भी अकेले ही जा रहे हैं ना, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अकेले जाएंगे और डबल होकर आएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। बस बेटा बस, बहुत हो गया, अब देखती हूँ तेरे पापा के लिए कैसे जाते हैं। ये अब तो पापा गए। अरे इतना जोर से क्यों घूर रही है रामकली, मुझे सच्ची में डर लग रहा है। लिच्चड़ आदमी, मेरे होते हुए किसी और लेडीज से फ्लर्ट करता है, आज छोड़ूंगी नहीं तेरे को। तेरे को डर नहीं लगता बिल्कुल भी? लगता है। अब देखती हूँ कैसे जाता पार्टी में, छोड़ूंगी नहीं। बता जाएगा मेरे बगैर पार्टी में? नहीं।
तुम भी साथ चलना। देखा आपने, दो बेलन लगते ही चूहे जैसी आवाज हो गई। खींच कर रखा करो अपने हस्बैंड को, नहीं तो ऐसे बहुत मिलेंगे। ओए सुन, इस बार तूने सेंटा से क्या मांगा? भाई इस बार मैंने सेंटा से फॉर्च्यूनर मांगी है। अबे भाई तू पागल वागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है वो कितनी कम एवरेज देती है? अबे तेरे पे सर में तेल लगाने के पैसे नहीं है, तू फॉर्च्यूनर में डलवाएगा? सुन मेरी बात सुन, सीएनजी वाली गाड़ी ले ले, फायदे में रहेगा। ठीक है भाई, फिर मैं वैगनार ले लेता हूँ सीएनजी वाली। हाँ सही है सही है। अबे भाई तुम्हें पता है इस बार की अपनी क्रिसमस की पार्टी कितनी मस्त होने वाली है और कहाँ पे होने वाली है? अबे कहाँ होने वाली है? कहाँ पे? अबे मेरे घर पे। मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं क्रिसमस मनाने शर्मा जी के घर पे, तो प्लान ये है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगा और मेरी बहन अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएगी और मिलके क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे ब्रो। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई। हाँ भाई अब तो बस क्रिसमस वाली रात का इंतजार है। हेलो, हाय स्वाति, कैसी है? मैं बढ़िया हूँ यार, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा यार क्रिसमस आ रहा है, पार्टी वार्टी का क्या सीन है? अरे इस बार क्रिसमस पार्टी कहीं और क्यों सेलिब्रेट करनी है, हम अपने घर पे करते हैं ना। और वैसे भी ना मेरी मम्मी पापा किसी और की पार्टी में जा रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम, मेरा भाई और उसके दोस्त, हमारे घर पे मिलके क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। वाओ यार, अब तो मुझे बस क्रिसमस का इंतजार है, कब आएगा क्रिसमस और कब होगी तेरे घर पे पार्टी। मेरे को भी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय। अरे वाह मम्मी पापा क्या बात है, आप तो दोनों एक नंबर मस्त लग रहे हो। बेटा तेरी मम्मी का तो पता नहीं, अपन तो हमेशा ही मस्त लगते हैं टनाटन। बताओ क्या? चलो बेटा हम चलते हैं, घर का ध्यान रखना, शरारत नहीं करना। हाँ हाँ मम्मी पापा जाओ, अपना अच्छे से एंजॉय करो। बाय 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 बाय। गए, अब करेंगे पार्टी एंजॉय। जिंगल बेल जिंगल्स ऑल द वे, हम दोनों आ रहे हैं रेडी होने के लिए। कैसा लग रहा हूं मैं? पहले तू बता मैं कैसी लग रही हूँ। लगता अपने फ्रेंड्स आ गए। ये भाई क्या बात है, आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ। एक मिनट। अब आओ अंदर, आओ भाई आओ, तुम भी आओ फटाफट ना, सारा सामान आज तो मजा आ जाएगा। गेट कर लो बंद, कर लो बंद, आज तो भाई जम के पार्टी करेंगे। अरे भाई दिखाओ क्या क्या लेके आए हो, खाने पीने का सामान, ये डेकोरेशन का सामान। अरे स्वाति ये मेरे फ्रेंड्स है, ये गोपाल है, ये निशांत है, और ये मेरी दोस्त है ऐश्वर्या। तेरी एक ही फ्रेंड आई है, तू तो बोल रही थी और भी फ्रेंड आएंगे। अरे यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होती है। अच्छा तो फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अरे भाई छोड़ो ना ये सब बातें, अभी ना हम अपनी क्रिसमस पार्टी एंजॉय करते हैं। बहुत सारा सामान है भाई, फटाफट से ना डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें डेकोरेशन में भी टाइम लग जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सारे मिलके फटाफट डेकोरेट करते हैं। ठीक है, आज पूरी रात हंगामा करेंगे। अरे भाई पूरी रात मुझे करेंगे आज तो पार्टी पार्टी भाई। चलो 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 लग जाओ काम पे। ओए तू यहाँ आना यार, इसको वहां टांग ऊपर। मस्त हो गया ना, एक नंबर लग रहा है। चल चल उस वाले गेट पे लगाना भाई, चला जा। गाइस जल्दी आओ यार, खाने पीने का सामान लगवाओ टेबल पे। स्वाति एक बार अंदर जाके देख, कोई डेकोरेशन का सामान तो नहीं रह गया? अभी देख के आते हो। हाँ हाँ गाइस गाइस ये देखो वाइन भी है।
तू भी पीती है? हाँ। किसके साथ पीती है? पानी के साथ या सोडे के साथ? वाइन है वो। अच्छा एक काम करियो, स्वाति को मत बताइयो। पक्का? ठीक पक्का। एक ग्लास ज्यादा दूंगा तुझे। चलो अभी इसको छुपा के रख देते हैं। ओके ओके ओके। कुछ नहीं अंदर, चलो कोई नहीं। चलो गाइस अभी अच्छे से हम अपना खाने पीने का जुगाड़ करेंगे, उससे पहले पार्टी पॉपर फोड़ते हैं, ठीक है? शिट। क्या हुआ? अरे रामकली, वो भाभी जी के लिए गिफ्ट लेके रखा था, वो तो घर पे रह गया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब तो पहुंचने वाले हैं। नहीं नहीं, बगैर गिफ्ट के ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगेगा उनको। ले आते हैं घर पे जाके एक बार। नहीं नहीं, कहीं नहीं लाना, अब चलो। नहीं लेके आएंगे, दो मिनट लगेंगे बस। बस यहीं से वापस मुड़ जाएंगे ना। जल्दी कर लो, हमेशा टाइम खराब करते रहते हो। रुको 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 रुको, पापा मम्मी, पापा मम्मी, ये क्या चल रहा है? पापा वो हम सब, पापा। अच्छा बेटा, हमारी पीठ पीछे ये सब चल रहा है? एक तो हमें बताया नहीं, ऊपर से हमारे ही घर में हमें इनवाइट नहीं किया। वाह बेटा वाह, बहुत तेज चल रहे हो, बहुत तेज चल रहे हो तुम तो। लगता आज तो हम गए। अरे पापा, आप वो शर्मा आंटी की पार्टी में गए थे, इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे भाड़ में जाए शर्मा आंटी। अरे सुनो ना, हम नहीं जा रहे उस पागल औरत के घर, हम है ना अपने बच्चों के साथ यहीं पे पार्टी एंजॉय करते हैं। हम तो गिफ्ट लेने आए थे ना भाभी जी के लिए, वो नहीं दे के आना उनको? अरे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं, पागल औरत को गिफ्ट दोगे? अरे यहाँ देखो पार्टी कितनी बढ़िया चल रही है, अपने बच्चों को गिफ्ट दो आप। अपने बच्चों के साथ यहीं पे पार्टी करेंगे। अरे ये तो और भी सही है, भाभी जी को गिफ्ट देने में अकेला ही चला जाऊंगा किसी दिन, इस बहाने उनसे मिल भी लूंगा। यस हाँ ठीक कह रहे हो तुम, ये वाला क्रिसमस हम बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। पापा इसका मतलब आप वहाँ नहीं जा रहे? अरे बेटा जब तुम लोगों ने इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है तो हम किसी और की पार्टी में क्यों जाएं? वाओ अंकल आंटी, तो आ जाओ ना आप लोग भी, हमें ज्वाइन करो। नीचे रख, नीचे रख केक, अबे नीचे रख, पीछे हट। बेटा पार्टी तो ठीक है, तुम लोग दारू भी पी रहे हो? पापा ये दारू थोड़ी है। और क्या? ये तो वाइन है पापा, वाइन। वाइन? हाँ। अबे बेटे बाप को पढ़ा रहा है, मुझे सब पता है बेटे ये क्या है। इधर आ,
हे गाइस, तो गाइस सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। सो गाइस ये बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके गाइस अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, 10 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ, 10 मिलियन पे फिर एक बहुत बढ़िया सरप्राइज आपके लिए, ठीक है? तो फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो वीडियो पे और लाइक कर दो। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।